एक्सबॉक्स का पैच जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों के सामने एक वीडियो बनाऊं। और ये जो पैच था, ये 5 GB का पैच था जो 25 डेज़ के बाद रिलीज़ कर दिया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पैच के अंदर मुकम्मल इन्होंने चेंजेस की होंगी। हम एक गेम प्ले करके देखते हैं ज़रा। इंडियन T20 लीग खेलते हैं, मुंबई इंडियन वर्सेस, हम खेलते हैं सनराइज़ हैदराबाद से। जल्दी जल्दी मैच लगाते हैं, अभी कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वाड थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ, स्टेडियम में देखे नहीं। अच्छा, स्टेडियम इसके अंदर, स्टेडियम इंडिया का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो उन्होंने ऐड किधर गया? नहीं, इस पैच के अंदर स्टेडियम इन्होंने ऐड नहीं किया। क्या ऐड किया भाई, 25 दिन हो गए। और रेडी करते हैं मैच, चेक करते हैं जल्दी से क्या चेंजेस हैं इसके अंदर। ओके, लो ये दोबारा अंदर घुस गया क्राउड के। अच्छा, क्राउड में कुछ चेंजेस आई हैं, वो ये चेंजेस हैं कि शर्ट्स जो हैं। अच्छा, ये भी देखें आप, ओवरले जो है स्क्वाड वगैरह दिखा रहे हैं। ये भी पैच प्लेस्टेशन और पीसी में पैच हुआ है, लेकिन एक्सबॉक्स में अभी तक चेंज नहीं हुआ। एक चीज़ जो मुझे नई नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि क्राउड जो है वो जो टीम खेल रही है उसके सपोर्टर्स उसकी शर्ट्स पहन के जो है वो क्राउड्स में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई इंडियन ऑन द टॉस, हम पहले करते हैं, बैठ करके चेक करते हैं ज़रा। ओके, फर्स्ट बॉल ऑफ देने, ओहो अभी तक ओवरले भी चेंज नहीं हुआ। अभी तक देखें इन्होंने ओवरले भी चेंज नहीं किया, ये भी पैच नहीं हुआ। 25 डेज आर इनफ यार। तो हम गेम तो काफ़ी स्मूथ लग रही है पहले से। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, क्राउड का एटमॉस्फेयर काफ़ी चेंज है। पहले क्राउड बिल्कुल डेड था, एटमॉस्फेयर, शोर, विसल वगैरह सब कुछ। अब ज़रा कुछ शॉट वगैरह ला के देखते हैं। एज लगी, फील्डिंग भी बेहतर लग रही है मुझे, तो फील्डिंग रिएक्ट अच्छा हो रहा है। अच्छा, बहरहाल शॉट्स जो हैं वो इन्होंने चेंज कर दी हैं। जो न्यू शॉट्स थी वो मुझे अभी तक इसमें नज़र नहीं आई। मैंने अभी 3-4 शॉटें आपके सामने खेली हैं। वो बैटिंग स्टाइल जो मेरे ख्याल में जो पहले जो मैंने काफ़ी देखा है वो बग था, सब प्लेयर्स का एक ही बैटिंग स्टाइल था, लेकिन अब वो भी चेंज कर दिया गया है। जो फील्डिंग जो है वो मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। Gets their first runs of the innings. Sharma picking up a good single. Kishan. दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ओ गुड बॉल, तो आप सब्सक्राइब कर दें। उमरान मलिक यार, बहुत रियलिस्टिक लग रही है गेम यार। दो पैच पीछे है अभी तक, दो पैच रिलीज होंगे तो गेम जो है वो जबरदस्त। ओ शॉट, जबरदस्त। तो हमें इसका मतलब अभी एक से दो पैच का मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हम इसमें नए फीचर्स देख सकें। अभी सिर्फ इन्होंने फील्डिंग जो है वो काफ़ी बेहतर कर दी है। शॉट है, शॉट, 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 आउट। फील्डिंग यार काफ़ी बेहतर कर दी है। स्पिनिंग का इशू भी था, वो भी चेक करना पड़ेगा कि स्पिन बॉल हो रही है कि नहीं। लेग ब्रेक, थोड़ी ज़रा फ्लाइट इसको रखेंगे ताकि हम देखते हैं। स्पिन हो रही है, पहले से स्पिन बेहतर है। स्पिन, 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 देखते हैं। हाँ जी, स्पिन हो रही है, बॉल जो है वो स्पिन हो रहा है इस पैच के अंदर। फील्डिंग और बॉलिंग जो बहुत इशू था बॉलिंग का, वो इन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया था। अभी तक जो है सिर्फ इसके अंदर जो मुझे चेंजेस लगी हैं वो तीन चीज़ें लगी हैं। एक क्राउड, नंबर टू जो है फील्डिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है, नंबर थ्री जो है स्पिन इशू था, बॉल स्पिन नहीं हो रहा था स्पिनर का, वो बेहतर हुआ है। मजीद पैच इसके अभी आने वाले हैं, रोज सिमंस ने कहा एक या दो दिन तक जो है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट पैचेस के अंदर जो है काफ़ी चेंजेस इसमें दिखाई देंगी एक्सबॉक्स के अंदर। तो ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।